हेलो भाइयों, वेलकम टू दिस वीडियो। और गाइज आज मैं बनाऊंगा 1.5 वोल्ट के सेल से एक 9 वोल्ट बैटरी। और गाइज इससे जो बैटरी बनेगी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगी और आपकी जो बाजार से बैटरी मिलती है इससे तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगी। और इस बैटरी को आप किसी भी चीज पे यूज करो, बहुत ही आसानी से आप इसे यूज कर सकते हो और ये बाजार वाली बैटरी इससे सस्ती भी होगी। तो गाइज इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए गाइज इस बैटरी को बना लेते हैं। लेट्स गो। टोटल हिंदी टेक्निकल। तो भाइयों, इस बैटरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1.5 वोल्ट के 6 सेल चाहिए। और ये देखिए एवरेडी कंपनी के मैं ले रहा हूँ, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो 1.5 वोल्ट का ये सेल है और हमें 6 चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेल को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके की पैकिंग में आए हैं, तो इस तरीके से मैं इनको निकाल लेता हूँ सभी को। तो भाइयों देख सकते हैं यहाँ पर 6 सेल मैंने निकाल लिए हैं और 6 साल की हमें ज़रूरत है क्योंकि 1.5 वोल्ट का एक सेल है, तो इन्हें हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है भाइयों। तो इसका मैं डायग्राम भी बनाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 6 साल मैंने निकाल लिए। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ये छोटी सी रेती चाहिए कि देखिए फाइल है, तो इस फाइल से हमें यहाँ पर इनके दोनों सिरों को कुछ इस प्रकार से घिस देना है। तो गाइज इससे ये होगा कि यहाँ पर आपको कनेक्शन करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये देखिए मैंने घिस दिया है और इधर से भी आपको इसी प्रकार से घिस देना है। तो भाइयों देख सकते हैं सभी सेल को हमने आसानी से घिस दिया, ये देखिए। और गाइस अब चलिए इनके हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनका डायग्राम बना करके दिखा दूं जिससे आपको कनेक्शन करने में आसानी रहेगी। तो ये रहा पेपर। तो गाइस एक सेल यहाँ पर हमारे पास 1.5 वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 6 सेल बना लेंगे, 1.5 और 1.5, इस तरीके से 6 सेल हम यहाँ पर बना लेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पर एक तरफ तो सेल में माइनस होता है और एक तरफ प्लस होता है, ये देखिए आप, ये प्लस है और ये माइनस है, इसी प्रकार से सब में होता है ये। तो हमें क्या करना है, ये जो प्लस निशान है ये माइनस से हमें जोड़ देना है। सीरीज में ऐसा ही होता है, एक प्लस होता है एक माइनस, ठीक है। तो हम इस प्रकार से सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे सेल को। तो ये देखिए एक प्लस होगा दूसरा माइनस, एक प्लस होगा दूसरा माइनस, इसी तरीके से हमने सारे सेल जोड़ दिए हैं। तो यहाँ से हमारी आउटपुट निकलेगी। तो एक तार ये रहा और एक तार हमारा ये रहा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर हमने सीरीज में कनेक्ट किया, तो यहाँ पर हमारी सारी वोल्टेज जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट, ठीक है गाइस। तो ये देखिए 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5 और 9, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से हमें 9 वोल्ट मिल जाएगी। तो यही इसका डायग्राम है, बहुत आसानी से आप इसे बना लोगे। तो चलिए अब गाइस इसके कनेक्शन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपने सेल, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसको कनेक्शन। तो इस सेल को सबसे पहले हम यहाँ पर सभी सेल पर सोल्डर कर देंगे ऊपर, इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस पर सोल्डर हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ऊपर से घिसा था। तो घिसने से ये फ़ायदा हुआ कि ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर सोल्डर हो रहा है। तो चलिए इधर भी कर लेते हैं, लेकिन इस सेल को रोकने के लिए हमें कुछ नीचे रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये प्लास रख रहा हूँ, ठीक है भाइयों। तो इस प्लास में हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको खड़ा कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर सोल्डर कर देंगे फटाफट से। तो देख सकते हैं भाइयों हमने सभी सेल पर यहाँ पर सोल्डरिंग कर दी है। तो चलिए भाइयों इनके कनेक्शन कर लेते हैं। हम ये इसका प्लस और इस सेल का माइनस इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ देंगे। और ये देखिए एक टेप है, तो इसके बीच में मैंने टेप लगा दिया है ताकि हम यहाँ पर स्टैंड की तरह से यूज कर सके, ठीक है। आप भी किसी चीज़ का यूज कर सकते हो ऐसे ही, ठीक है। ये देखिए रुक गया आसानी से, तो यहाँ पर हम कनेक्शन कर देंगे। और गाइस अब चलिए एक यहाँ पर छोटा सा तार ले लेते हैं हम और उससे हम यहाँ पर कनेक्शन करेंगे इस प्रकार से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर तार ले लिया है, तो ये देखिए तार, और इसे मैं यहाँ पर एक सेल पे लगा देता हूँ। और अब यहाँ पर इधर हम यहाँ पर इस पर माइनस पॉइंट पे भी लगा देते हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं। इसी प्रकार से हम और 2 सेल ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर अब दूसरे सेल को भी इसी प्रकार से हम जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए भाइयों हमने यहाँ पर 3 सेल के एक एक साइड से हमने जोड़ दिया है इनको, और अब हम यहाँ पर इनको इस प्रकार से रख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इधर कर देते हैं इनको आसानी से। तो गाइस ये सिर्फ सीरीज कनेक्शन ही हो रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सीरीज कनेक्शन में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सीरीज कनेक्शन को जोड़ रहे हैं। तो भाइयों देख सकते हैं हमने यहाँ पर कनेक्शन को कर लिया है। एक बार मैं आपको अच्छे से कनेक्शन समझा दूँ, तो यहाँ पर ये माइनस है, माइनस प्लस से जुड़ा, फिर यहाँ पर माइनस है, ये माइनस प्लस से जुड़ा, फिर इसका माइनस प्लस से जुड़ा, फिर इसका माइनस प्लस से जुड़ा, इस प्रकार से सारे कनेक्शन हो चुके हैं, ठीक है गाइज। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब चलिए इसे मैं बांध करके आपको अच्छे तरीके से दिखा दूँ, ठीक है। तो इसे बांधने के लिए हम यहाँ पर टेप का यूज़ करेंगे। तो ये रही टेप, और इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से 2-2 सेल को पहले जोड़ूँगा ताकि ये 2 सेल आसानी से यहाँ पर रुक जाए।
तो ये मैंने जोड़ दिया है और इसी प्रकार से हम सारे सेल को फटाफट से यहाँ पर जोड़ देंगे और बैटरी हमारी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये देखिए हमने तीनों सेल को यहाँ पर आपस में जोड़ दिया। तो चलिए भाई इसको फटाफट से हम यहाँ पर जोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो ये रही अपनी टेप, तो इसको मैं सही से लगा देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, और अब चलिए इस पर टेप लगा देते हैं हम। ठीक है भाई, तो बहुत आसानी है यार, बहुत आसानी से ये जुड़ जाएगा। ये देखिए एक टेप लग जाए फिर तो ये रुक जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो थोड़ा आपको भी ये सावधानी से ही करना है, कोई तार आपस में टच ना हो, बस इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया है भाइयों, ठीक है, इधर से सेफ हो गया और बचा ये साइड। ठीक है गाइस, तो ये प्लस हो गया इसका और ये माइनस हो गया। तो ये देखिए भाइयों हमने टेप लगा दी है और बैटरी हमारी बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए गाइस, और ये रही बाजार की बैटरी और ये हमारी खुद की बनाई बैटरी। ठीक है गाइस, तो इससे 10 गुना ज़्यादा पावरफुल ये बैटरी हमने बनाई है। और अब चलिए मैं इसको आपको चेक करके दिखा देता हूँ, और चेक करने के लिए हमारे पास ये मल्टीमीटर है, तो मैं इसे 20 वोल्ट पर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने 20 वोल्ट पे सेलेक्ट कर दिया है और इसको मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। और ये इसकी पिन है, तो ये माइनस पॉइंट है और ये इसका प्लस पॉइंट है। तो भाई देख सकते हैं पूरी 10 वोल्ट यहाँ पर हमें मिल रही है यार। तो ये 1 वोल्ट कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता ही है, सब बैटरी में होता है। ये आपकी 9 वोल्ट बाजार की बैटरीज में भी ज़्यादा आता है 9 वोल्ट से। और अब चलिए इससे मैं आपको कुछ चला करके दिखा देता हूँ। तो भाइयों देखिए हमारे पास ये 12 वोल्ट की बहुत ही पावरफुल मोटर है, तो इस मोटर को मैं इस बैटरी से चला करके दिखाऊंगा। और गाइज इसकी यहाँ पर हमारे पास इंपेलर भी है, तो इस इंपेलर को मैं इस पर लगा रहा हूँ। और गाइज ये बहुत ही ताकतवर फैन बनाऊंगा मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फैन बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप यहाँ पर 2 तार लगाना, मैं तो आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना है। मैं तो यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से आपको बता रहा हूँ, जिससे मेरी वीडियो लंबी ना बने। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहां पर अब इसको लगाने वाला हूं। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये देखिए मैं लगा रहा हूं। और गाइज हमारा फैन चल चुका है और आप देख सकते हो कितनी तेजी से चल रहा है यार, और बहुत हवा दे रहा है ये, तो आपको पसीना बिल्कुल नहीं आएगा, इतनी हवा है ये। ठीक है भाइयों, और देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 वोल्ट के सेल से कितनी ताकतवर बैटरी हमारी यहाँ पर बनी है इस प्रकार से भाइयों। ये देख सकते हैं गाइज, और ये इसी बैटरी से चल रहा है, जबकि ये 1.5 वोल्ट का एक सेल है। हमने सीरीज में यहाँ पर 9 वोल्ट बैटरी बनाई है, और यहीं पर आप इससे चेक करोगे ना तो ये इतना स्पीड से नहीं घूम पाएगा। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़े से कनेक्शन इसमें लगाने ही पड़ेंगे, ऐसे मैं चेक नहीं कर पाऊँगा इसको। तो देखिए भाइयों मैंने यहाँ पर मोटर में कनेक्शन कर दिया और मैंने एक ही कलर के करे हैं, इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए मैं यहाँ पर 9 वोल्ट बैटरी से आपको इसको मोटर को चला करके दिखाऊँगा, और फिर ये हमने जो बनाई है इससे भी मैं यहाँ पर चला करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस बैटरी को ऐसे रख लेंगे और यहाँ पर, तो ये देखिए मैं चला करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये बहुत स्लोली स्पीड से शुरू हुआ है, तो ये देखिए कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है, बहुत कम स्पीड है। ठीक है गाइस, तो ये बाजार वाली बैटरी से मैं अभी चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए इतनी स्पीड से। तो अब चलिए यहीं पर हम अपनी बैटरी को चला करके दिखाएँगे जो हमने बनाई है। तो चलिए भाइयों मैं एक यहाँ पर पॉइंट पर इसके कनेक्शन कर देता हूँ, तो इससे हम आसानी से इसको यहाँ पर पकड़ पाएंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट होगा बस। फिर तो आप देख सकते हैं भाइयों, एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं और बचा एक पॉइंट, तो इसको तो हम ऐसे ही पकड़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए अब मैं यहाँ पर इस बैटरी से इसको चला के दिखाऊंगा, ये देखिए भाइयों, और इसकी स्पीड देखना आप। और भाइयों ये देखिए आप इसकी स्पीड देखिए, तो जो हमारी बाजार वाली बैटरी उससे तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, देख सकते हैं आप। तो गाइस बहुत ही तेज़ चल रहा है हमारा फ़ैन, जो हमने खुद की बैटरी बनाई है, और जो हमने बाजार वाले से चलाया था इससे तो बहुत ही कम चल रहा है। तो गाइस इस प्रकार से हमारी जो घर पे बनाई हुई बैटरी है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इस बैटरी से तो 10 गुना ज़्यादा पावरफुल है, और इससे सस्ती भी है। ठीक है गाइस, तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस बैटरी को आप बना करके ज़रूर देखेंगे। तो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।